हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मैंगो फ्रूटी। समर सीज़न चल रहा है, बच्चों को मैंगो फ्रूटी बहुत पसंद आती है और बड़ों को ही बहुत पसंद आती है। और आपके घर में मेहमान आ जाएं तो उनको सर्व करने के लिए सबसे अच्छा ड्रिंक यही है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं आज मैंगो फ्रूटी। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने दो पके हुए आम लिए हैं और एक कच्चा आम लिया है। इन्हें हम पील कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब मैं कच्चे आम, जितना आपने कच्चा आम लिया है उतना ही आप चीनी लेंगे, यानी कि एक कटोरी आपका कच्चा आम है तो एक कटोरी ही आपको चीनी लेनी है। एक नींबू का रस चाहिए हमें। आम को मैं ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर दूंगी। और पके हुए आम को मैं मिक्सी वाले जार में ट्रांसफर कर दूंगी। अब हम मैंगो का पल्प तैयार कर लेंगे। अब पैन में थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि डालें तो मैंगो एकदम से चिपके नहीं। इसमें हम कच्ची कैरी का जो पल्प है वो भी डाल देंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएं। अब मैं इसमें चीनी भी ट्रांसफर करूंगी और इसको पकाएंगे हम थोड़ी देर के लिए, लगभग 3 से 4 मिनट। देखिए थोड़ा सा पकने के बाद इसका कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ी देर हमें इसको और पकाना होगा। अब इसमें उबाल आ गया है, बस इसी टाइम पर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे हम इसे। अब हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है, इसे हम छान लेंगे, जिससे जो इसके रेशे वगैरह अगर हमारे मैंगो के होंगे तो वो निकल जाएंगे। वैसे तो आपको मैंगो वैसा ही लेना चाहिए जिसमें रेशे कम हो। अब सारा मिक्सचर हमने छान लिया है। इस टाइम पर हम इसमें 2 चम्मच जो है नींबू का रस डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम अगर बॉटल में ट्रांसफर करके चाहे तो 25 डेज तक रख सकते हैं फ्रिज में, और जब भी आपका मन करे निकालें थोड़ा सा इसमें वाटर मिक्स करें पी लें। पर मुझे तो इंस्टेंट चाहिए क्योंकि मुझे सर्व करना है, तो मैं इसमें 2.5 गिलास जो है वाटर का डाल रही हूँ। आप देख लें कि आपको कितना ये थिक चाहिए या थोड़ा सा पतला चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप वाटर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारी मैंगो फ्रूटी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चाहिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।